बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। हिस्टोग्राम ग्राफ बेसिकली यूज़ होता है वाइटली डेटा एनालिसिस के लिए, आप किसी हाइट मेजर करें या कुछ और। तो एक्सेल के थ्रू कैसे हिस्टोग्राम ग्राफ बनाएं? तो मैं रेंडम नंबर जनरेट करके एक्सेल का ग्राफ बनाता हूँ एक्सेल से हिस्टोग्राम, लेकिन मैं यूज़ करूँगा टूल एनालिसिस पैक, डेटा एनालिसिस। अगर ये डेटा एनालिसिस आपके पास अभी जानना हो तो आप सिंपली जाएं फाइल्स में, ऑप्शंस में, और यहाँ पे आप सर्च करें एडिट्स। एडिट्स में जाके जस्ट आप जाएं एक्सेल एडिट्स गो करें, और वहाँ पे आप देखें एनालिसिस टूल पैक। अगर यहाँ पे सिलेक्ट ना हुआ हो तो सिलेक्ट करके ओके करें, तो सिंपली आप के पास डेटा एनालिसिस टूल आ जाएगा। डेटा एनालिसिस में आप जाएं, यहाँ पे आप सर्च करें रैंडम नंबर जनरेशन। रैंडम नंबर जनरेशन में जाके तो मैं मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे है रैंडम नंबर जनरेशन के लिए, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, बनली। मैं जस्ट नॉर्मल में जाता हूँ, कॉलम वन 10,000 मुझे चाहिए, मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। आउटपुट रेंज कौन सी हो तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा सिंपली ये और इंटर कर दूँगा ओके। सेकंड स्टेप में मुझे चाहिए बिन वैल्यूज। बेसिकली बिन वैल्यूज के लिए बेस्ट मेथड है, हम मैक्सिमम और मिनिमम जो भी इस पूरी सीरीज में है ना हमारे पास वैल्यूज, वहां से हम फाइंड करें। तो मैं सिंपली यही मेथड यूज करता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ बिन और स्पेस कितना हो एक कॉलम का दूसरे कॉलम के लिए। तो मिनिमम नंबर निकालने के लिए सिंपली आप मिनिमम लिख के आप पूरी सेल सिलेक्ट करें कंट्रोल शिफ्ट और एरो से, जो डाउन एरो है, और कंट्रोल कर दें। सेम मेथड मैक्सिमम वैल्यूज के लिए सिलेक्ट करें आप किसी भी ऊपर वाली सेल को, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें डाउन एरो की को। नंबर ऑफ बिन फॉर इंस्टेंस मुझे 20 चाहिए, तो स्पेस निकालने के लिए एक कॉलम का दूसरे कॉलम में मैं सिलेक्ट करूँगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम नंबर डिवाइड बाय ये जो भी मेरे पास है ना एप्स 20, जो भी नंबर ऑफ बिन मैंने सिलेक्ट किए वहाँ से आप एक सबट्रैक्ट करें। अब पहली वैल्यू तो बिन की हुई, वो जो मिनिमम वैल्यू है मेरे पास वो है F3। सेकंड वैल्यू होगी ये पहली, तो इससे वो होगी ये पहले ऊपर वाली जो भी है H4 प्लस ये जो मैंने स्पेस दिया है F4 करके आप स्टैटिक कर दें, और फिर इसको ट्रैक करें जब तक मैक्सिमम वैल्यू आ जाए 5.3 समथिंग। फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहले पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक बिन वैल्यूज हो, फिर इक्वल टू साइन लिखें, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखें, सिलेक्ट करेंगे वैल्यूज को कामा, फिर सेलेक्ट करेंगे हम अपनी बिन को, फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ये मेरे पास ये आई है, अगर आप हो सकता है आपके पास दूसरी वैल्यू हो क्योंकि मैंने रैंडम नंबर के थ्रू जनरेट की थी। इंसर्ट में जाके आप रिकमेंडेड चार्ट में जाके ओके करें, तो ये हिस्टोग्राम हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बिन वैल्यूज आए, तो सिलेक्ट डेटा में जाएँ आप, एडिट में जाएँ, ये इसको आप प्रेस करें, और जो बिन वैल्यूज हैं वो आप पूरी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की के थ्रू सेलेक्ट करें और ओके करें। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट कर दूँ कि टू वैल्यूज आए, तो नीचे नंबर में जाके सिंपली जनरल में जाके नंबर में जाके 2 बस आ गया। थैंक्स।